हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज जो हम बनाने जा रहे हैं, जो रेसिपी हमारी है वो है पोहे से। आपने पोहे से बहुत सी रेसिपी ट्राई की होंगी और अपने किचन में बनाई भी होंगी। तो हम जो रेसिपी आज बनाने वाले हैं वो बिल्कुल अच्छी और बहुत ही टेस्टी यमी बनने वाली है। तो ये देखिएगा, मार्केट में आने वाले पोहे पैकेट में लिए हैं, खुले नहीं लिए हैं। आप चाहें तो खुले भी ले सकते हैं। ये जो पोहे होते हैं वो मोटे होते हैं थोड़े, ये देखिएगा। और पोहे के साथ साथ जो हम रेसिपी बनाने वाले हैं वो पोहे और बेसन से बनाने वाले हैं। हमने एक बड़ा कप पोहे लिया है और एक छोटा कप बेसन का लिया है। हमने उनके साथ मिक्स करके हम जो रेसिपी बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। तो चलिए, हमारे साथ सबसे पहले हम जो पोहे लिए हमने उनको एक बार वॉश कर लेते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम छन्नी ले लेते हैं और इसमें जो हमारे पोहे हैं उनको हम डाल लेते हैं और उनको एक बार अच्छे से वॉश कर लेंगे पानी डाल के। ये देखिएगा, इसी तरह से आपको वॉश करने जिससे ये ज़्यादा पानी में भी डिप नहीं रहेंगे और ये अच्छे से वॉश भी हो जाएंगे। और वही हमने अच्छे से वॉश कर लिए हैं। तो अभी हमें इनको ऐसे ही रखना है, इनको ऐसे पुश करके दबा के नहीं रखना है, इनको गीला गीला ही रखना है हमें। थोड़ा इसमें पानी की क्वांटिटी इसके अंदर ही होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पर ले लिया एक बाउल और उस बाउल में हम डालेंगे अभी जो हमने पोहे वॉश किए हैं अच्छे से उनको। और ये लीजिए, हमारे पोहे इसमें बिल्कुल डल चुके हैं। ये देखिए, पोहे बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं और उनको धोने के बाद में हमें ऐसे नरम कर रखना था इनको। तो ये देखिएगा, बिल्कुल नरम हो चुके हैं हमारे पोहे। और इनको एक अच्छा सा टेस्ट फ्लेवर देने के लिए इसमें हम ऐड करने वाले हैं 4 बड़े चम्मच दही के। तो एक ये इस तरह से हम, आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं इसमें। और ये लीजिए, हमने तो दही इसमें हमने डाल दिया है। और दही डालने के साथ ही हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच पानी के ऐड करने वाले हैं हम इसमें। और ये लीजिए, और पोहे का मतलब यही होता है पानी एब्जॉर्ब कर लेना। तो ये ढेर सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेता है ये। और हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास दही नहीं है और दही आप यूज नहीं करना चाहते हैं तो इसकी जगह आप छाछ भी ले सकते हैं। और अगर आप छाछ भी पसंद नहीं करते हैं डालना तो आप इसमें केवल टू केवल पानी से ही इसको नरम कर सकते हैं। ये देखिएगा, बिल्कुल इस तरह का नरम चाहिए हमें। ये देखिएगा, ये हमारा बिल्कुल पोहा। और इसको हम इस तरह से ही नरम होने के लिए 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे हम इसको। ये देखिए, और अभी हम बनाएंगे इसके लिए एक मज़ेदार टेस्टी टेस्टी ग्रीन ग्रीन हरी चटनी। तो चलिए, इसके लिए सबसे पहले हमने मिक्सर का बाउल ले लिया है। और चटपटी चटनी बनाने के लिए सबसे पहले हम यूज करने वाले हैं पुदीने के पत्ते। आपने हरा धनिया जो होता है उसकी चटनी तो हम हमेशा ही हमारी रेसिपी के साथ बनाते हैं, और आज हम कुछ डिफरेंट रेसिपी के साथ डिफरेंट चटनी बनाने जा रहे हैं। तो इसके लिए हमने लिया है हरा कटा हुआ पुदीना। और ये जो इसके साथ में जो डंठल है कईयों के साथ, इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है और बहुत अच्छी खुशबू। तो ये हमें फेंकने नहीं चाहिए, बिल्कुल हमें ये इस तरह से इसी में यूज करने चाहिए। तो पुदीने के साथ साथ हम डालेंगे 4 से 5 लहसुन की कली और ये कटी हुई मिर्च की स्लाइस है बड़ी बड़ी, वो इसमें हम ऐड करने वाले हैं। और अभी हम डालेंगे करी लेस
अगर करी लेस आपके पास है तो डालें, वरना इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। करी लेस जहाँ तक पॉसिबल हो आप प्लीज़ ज़रूर डालें। इसका टेस्ट और इसका कलर बहुत अच्छा आता है करी लेस से, और ये हमारे सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। और अब इसमें हम डालेंगे आधी छोटी चम्मच शुगर, ये लीजिए ऐड कर दी हमने। और इसके साथ ही हम डालने वाले हैं एक बड़ा चम्मच दही। दही डालने से इसका टेस्ट इतना बेस्ट होगा, आपने पहले कभी, यकीन मानिए आपने पहले कभी ऐसी चटनी ना खाई होगी ना सुनी होगी। प्लीज़ अपने किचन में एक बार ट्राई ज़रूर करें। और जो हमने शुगर डाली है वो इसका खट्टा मीठा टेस्ट देने वाली है। और आपको हम बता दें, अगर आपको हमारी रेसिपी थोड़ी बहुत भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट, और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारी को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो चलिए अभी हम आगे की कंटिन्यू करते हैं, चटनी किस तरह बनाएंगे। तो अभी इसमें हम ऐड करने वाले हैं स्वाद अनुसार नमक, ये लीजिएगा। और आप अगर इसमें चाहें तो ये लीजिए कम ज़्यादा नमक कर सकते हैं अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग, बट आप इसमें पानी मिक्स, आप जब भी इसको पीसेंगे इसमें आप पानी ऐड नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है कि इसमें ड्राई ज़्यादा हो रहा है तो आप इसमें दही का यूज और कर सकते हैं, एक चम्मच और दही ले सकते हैं, लेकिन आप इसमें पानी बिल्कुल नहीं डाल सकते। तो चलिए अभी हम इसको ग्राइंड करते हैं, 2 से 3 मिनट हमें इसको ग्राइंड करने में लगेगा। तो चलिए, तो ये देखिए हमने चटनी को ग्राइंड कर लिया है, और हमारी चटनी कैसा कलर देती है देखते हैं। और ये देखिएगा चटनी ने बिल्कुल जैसा हमने बोला था बिल्कुल वैसा ही कलर, और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। और ये देखिएगा चटनी बिल्कुल जिस तरह की हम चाहते थे और जैसा टेस्ट है उसी के अकॉर्डिंग पूरी अच्छी चटनी बनी है। तो चलिए इसको हम एक अभी बाउल में निकाल लेते हैं। और ये देखिए फाइनली हमारी चटनी बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है। ये देखिए बहुत टेस्टी टेस्टी यम्मी यम्मी। ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसको अभी ख़त्म करेंगे, आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं 4 से 5 रोज फ्रिज में, और किसी भी परांठे या रोटी और सब्जी के साथ में इसको सर्व कर सकते हैं, और टेस्टी बनती है ये चटनी। तो प्लीज़ अपनी किचन में एक बार ट्राई ज़रूर करें, और इसका टेस्ट कैसा है प्लीज़ कमेंट में मुझे बताएं। तो ये देखिए हमारे पोहे 10 मिनट का रेस्ट देने के बाद में बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं, आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए जबकि हमने इसमें दही ऐड किया था, और बिल्कुल ड्राई हो गए और कितने अच्छे से मैश हो रहे हैं, हमें बिल्कुल इसी तरह से चाहिए थे, ये देख पा रहे होंगे आप। और अभी हम इसमें ऐड करने वाले हैं सब्जियां, आपके पास जैसी भी कटी हुई सब्जियां हो जो भी हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें डालने वाले हैं बारीक छोटी कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और बारीक कटे हुए प्याज। मैंने एक बड़ा मीडियम साइज का प्याज लिया, इसको बारीक कट कर लिया, आप चाहें तो इसको क्रश भी कर सकते हैं, कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं इसमें। और इसमें मैं डालने वाली हूँ ये आलू, आलू को ये बिल्कुल कच्चा आलू है, मैंने इस आलू को कद्दूकस किया है और 2 से 3 बार वॉश कर लिया, और इसका जो इसमें स्टार्च होता है वो निकल चुका है। और अभी ये भी हम इसमें ऐड करने वाले हैं, ये लीजिएगा ऐड कर दिया हमने। और ये हैं हमारे मूंगफली के दाने, ये कच्चे मूंगफली है, और इसको मैंने बिल्कुल थोड़ा सा तोड़ लिया है, और तोड़ने के बाद में मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ। प्लीज़ आप ये मूंगफली के दाने बिल्कुल स्किप मत कीजिए, इनसे इतना टेस्ट आने वाला है। आप जहाँ तक उसके मैंने 3 से 4 बड़े चम्मच मूंगफली के दाने लिए हैं। और अभी हम सबसे पहले हम डालेंगे इसमें 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच रेड चिल्ली पाउडर, आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। और स्वादानुसार नमक डाल रहे हैं हम यहाँ पर, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं आपके घर में जिस तरह से कोई जैसे खाता है वैसे तरह से। और ये कर रहे हैं हम
आधी छोटी चम्मच चाट मसाला ऐड इसमें, और सबसे लास्ट में हम इसमें ऐड कर रहे हैं बेसन। ये तो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी रेसिपी का। तो चलिए अब इसको हम इसमें ऐड कर देते हैं। ये देखिए, आप बेसन को बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि इसी से हमारी जो रेसिपी है उसका टेस्ट सबसे यूनिक होने वाला है, सबसे अलग डिफरेंट यमी यमी टेस्ट। तो चलिए अभी सारे मसाले को हम मिक्स कर लेते हैं। तो ये देख लीजिए, हमने बिल्कुल हमारी डो तैयार कर लिया है, और इसमें हमें पानी का बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। आप देख पा रहे होंगे कितना कलर आया अच्छा इसमें, ये देखिएगा। तो ये देखिएगा जो हमारा फाइनली डो तैयार हो गया है, और हाथ के हम थोड़ा सा ऑयल यूं मसलने वाले हैं, और फिर थोड़ा थोड़ा करके यूं हम लेंगे, ये देखिएगा इस तरह से। और बिल्कुल आप चाहें जैसी शेप दे सकते हैं इसकी, गोले में राउंड में कैसे भी, और मैं इसकी शेप देने वाली हूँ बिल्कुल इस तरह से। आप देखिएगा इस तरह से, जिस तरह से हम पोटैटो स्नैक्स बनाते हैं उस तरह से, इस तरह से हम एक शेप देंगे इसकी अच्छे से। ध्यान रहे ज़्यादा मोटी ना दें आप, ये देखिएगा आप। और जो मूंगफली के दाने हैं बिल्कुल देखिए कितने अच्छे दिखाई दे रहे हैं, ये देखिएगा। इसी तरह से हम ऐसे बनाते चलेंगे, और हाथों के जो हमने ऑयल लगाया है उससे बिल्कुल देखिए चिपक भी नहीं रहे हैं हमारे स्नैक्स। इस तरह से सभी को मैं तैयार कर लूँगी। तो फाइनली देखिएगा, हमने इस तरह से फ्रेंच फ्राइज की तरह से बना लिया सभी रोल्स, और देखिए दिखने में कितने टेस्टी लग रहे हैं। सभी सब्जियां ऐड की गई हैं, तो ये देखिएगा, और मूंगफली के दाने बीच बीच में आके कितने क्रंची बनाएंगे इसको। तो अभी हम इसको, ये देख पा रहे होंगे आप जितना दिखने में टेस्टी लग रहे हैं यूनिक टाइप, उसी तरह से जब हम इसको तेल में फ्राई करेंगे तो बिल्कुल वैसा ही लगेगा। अब सबसे पहले हम गैस पर ऑयल रखेंगे, और उसको 160 डिग्री पर बॉईल करेंगे, और इसको हाई फ्लेम पे ही हमें फ्राई करना है। तो चलिए सबसे पहले हम गैस को ऑन करते हैं और पैन में ऑयल डालते हैं। तो सबसे पहले गैस को हम ऑन करते हैं, और ये लीजिए एक पैन में ऑयल मैंने पहले से डाल दिया है, और इसको हम 160 डिग्री पर हाई फ्लेम पर बॉईल करेंगे, और फिर हाई फ्लेम पर ही हम इसको फ्राई करेंगे। तो 2 से 3 मिनट हमारे ऑयल गर्म होने में लगने वाले हैं, तो चलिए इसको गर्म करते हैं। तो ये देखिएगा हमारा जो ऑयल है बिल्कुल हाई फ्लेम पे हमने गर्म कर लिया, और ये जो हमने फ्रेंच फ्राइज टाइप से बनाई हैं हम तो सभी को ऑयल में जो कर रहे हैं। थोड़ा सा ऑयल का ध्यान रखें, ये हाई फ्लेम से पकाना हमें, तो आपका ऑयल नहीं गिर जाए, इसके लिए बिल्कुल पूरा ध्यान रखें। और ये देखिएगा अभी उनको हाई फ्लेम पे ही धीरे धीरे पकाते चलते हम, बिल्कुल एक यूनिक रेसिपी हमारी। तो आप प्लीज़ अपने किचन में ट्राई करें इसको, और इसको हाई फ्लेम पर ही पकाएं। जिस तरह से हम फ्रेंच फ्राइज बनाते हैं तो बिल्कुल हाई फ्लेम पर ही हमें उन्हें पकाना पड़ता है, तो उसी तरह से हम इसको पकाएंगे। इसको पकाने में कम से कम 2 से 3 मिनट लगने वाले हैं, तो चलिए हम इसको धीरे धीरे सभी को हिलाते हैं। और ये देखिए फाइनली हमारे पोहे और बेसन की रेसिपी से बनी हुई फ्रेंच फ्राइज, वाओ कितना कलर सुनहरा प्यारा आया है। वही दिखने में तो बड़े यम्मी टेस्टी लग रहे हैं, और खाने में भी वैसे ही हैं। यकीन मानिए मैं हमेशा वही रेसिपी अपने किचन में अपने चैनल पर शेयर करती हूँ, जिसको मैंने 2 से 4 बार अपने
किचन में ट्राई की है और वो परफेक्ट बनी है और टेस्ट उसका बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए प्लीज आप अपने किचन में एक बार ट्राई जरूर कीजिए। आपके बच्चों को, छोटे बड़ों को, सभी को पसंद आने वाली है। और ये देखिए, इसकी आवाज़ सुन पा रहे हैं कितने कुरकुरे कुरकुरे बने हैं, ये देखिएगा। तो चलिए अभी हम इनको निकाल लेते हैं। और ये देखिएगा बचे हुए को मैंने फिर से ट्राई कर रही हूँ। इसमें मैंने इस बार दूसरी शेप दी है, जैसे छोटे छोटे टिक्कियाँ, जैसी मटरी की जैसी शेप दी है मैंने। तो आप भी इसी शेप में भी बना सकते हैं डिफरेंट टाइप की। और ये देखिएगा हमारे मटरियाँ बिल्कुल बनके तैयार हो गई हैं। ये पोहे की स्पेशल मटरी, जिसको आप स्टोर कर सकते हैं 2 से 4 दिन के लिए, फ्रिज में रख सकते हैं, ये देखिएगा। और जो हमने इसका डो तैयार किया है, इसको भी आप 2 से 4 दिन के लिए फ्रीजर में रख सकते हैं और जब भी चाहें फ्रेंच फ्राइज की तरह से शेप देके बना सकते हैं। ये देखिएगा कितनी यूनिक और क्रिस्पी और टेस्टी लग रही है, वाह। और ये देखिएगा हमारी, कभी आपने देखी है पोहे की मटरियाँ? ये देखिए हमने जो डो तैयार किया था उससे हमने मटरियों का रूप दिया है, ये देखिएगा। और अभी इसको मैं फ्राई करती हूँ। आप प्लीज़ इसको मोटी ना बना दें, थोड़ी सी पतली पतली बनाएं। आप देख पा रहे होंगे, ये देखिएगा और जो हमने इसमें मूंगफली के दाने डाले हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी टेस्ट देने वाले हैं। तो ये देखिएगा हम इसको फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए फाइनली हमारी पोहे की और बेसन की मटरियाँ बनकर तैयार है, ये देखिएगा आप बिल्कुल। अभी हम इसको निकाल लेते हैं, अच्छे से फ्राई हो चुकी है ये। और ये देखिएगा फाइनली हमारी पोहे की रेसिपी, पोहे की मटरियों का रूप दिया हमने और बेसन की, और कितनी टेस्टी बनी है। तो ये लीजिए हमारी बेसन की और पोहे की रेसिपी बनकर बिल्कुल रेडी है। और हमारी फ्रेंच फ्राइज बेसन और पोहे के बिल्कुल रेडी हैं। और इसी में मैंने रूप दे दिया इसको, मटरी के जैसा रूप दिया है। आप किसी भी शेप में इसको बना सकते हैं, ये देखिएगा कितने टेस्टी टेस्टी लग रहे हैं, कुरकुरे कुरकुरे आप देख पा रहे होंगे। और ये देखिएगा इसकी आप आवाज़ सुन पा रहे हैं, ये देखिएगा। तो सभी इतने अच्छे कुरकुरे बने हैं। और ये जो हमने अपनी स्पेशल चटनी बनाई है, इसके साथ आप सर्व करें किसी को भी, और खाने वाला यही बोलेगा कि कैसे और कहां से ये रेसिपी बनाना आपने सीखा। तो प्लीज़ अपने किचन में एक बार ट्राई ज़रूर करें। और ये देखिएगा अंदर से, बाहर से कुरकुरे और अंदर से बिल्कुल नरम। तो प्लीज़ ट्राई अपने किचन में। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट रेसिपी के साथ हम मिलते हैं, तब तक के लिए ओके बाय बाय।